सब लोग तो बेसन के ढोकले खाते होंगे। क्या कभी सूजी का ढोकला ट्राई किया है? इसके लिए ना हमें एक कटोरी दही, एक कटोरी चना दाल का पेस्ट और एक कटोरी सूजी चाहिए। इन तीनों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा अदरक डालेंगे। फिर इन सबको मिक्स करके ना 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है। फिर क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल के एक स्टीम डाल के ढक देंगे, क्योंकि मेरे पास ढोकले बनाने का स्टीमर नहीं है, तो आपके पास भी नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद 10 मिनट के बाद देखो इस मिक्सर इतनी अच्छे से मिक्स हो गया। फिर ना इनो डालेंगे और इनो में ना थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इनो एक्टिव हो जाए, और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम लेंगे एक बर्तन, और बर्तन में थोड़ा सा डालेंगे रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल डाल के पूरी बर्तन में इस ऑयल को स्प्रेड करना है, ताकि जब हमारा ढोकला बन के रेडी होगा ना, ताकि ये इस बर्तन में चिपके नहीं, ठीक है। तो उसके बाद इस बैटर में बैटर को हम डाल देंगे। फिर देखो ये स्टीमर भी गर्म हो गया। फिर इसको ढक देंगे। ढक देने के बाद 10 मिनट के बाद इसको देखेंगे ये हुआ कि नहीं हुआ। गाइस ये ना मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, मैंने भी मतलब नहीं सोचा था कि इतना अच्छा बनेगा। फिर उसके बाद इसको ठंडे करने के लिए रख देंगे, और करी पत्ता, सरसों, हींग और हरी मिर्च लेंगे चाशनी बनाने के लिए। एक कढ़ाई में ना थोड़ा सा सरसों का तेल देंगे, फिर इन सबको डाल देंगे। डालने के बाद थोड़ा सा पानी देंगे, पानी देने के बाद शक्कर देंगे, और ये अच्छी तरह से थोड़ा सा 5 मिनट के लिए पकाएंगे। जब ये हो जाएगा ये चाशनी रेडी, फिर इधर मेरा ढोकला भी ठंडा हो गया। जब ढोकला ठंडा हो जाएगा ना, एक बर्तन में इसको डाल देंगे। और गाइस ये ना ढोकला मेरा थोड़ा सा टूट गया था, देखो आप लोग देख सकते हो ये इतना, लेकिन ये ना बहुत स्पंजी हुआ है। इसके स्पंजी होने का कारण आप जानते हैं, मैंने इसमें इनो डाला था ना, इसलिए ये इतना स्पंजी हुआ है। आप घर पे जरूर ट्राई करना, ये बहुत हेल्दी होता है। फिर इसको छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। काट लेने के बाद इसमें जो चाशनी बने थे चाशनी डाल देंगे, और फिर सब लोग इसको इंजॉय करेंगे। आप घर पे